नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिल्ली आपकी में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नुजहत परवीन सिद्दीकी। पिछले 2 साल में 7 राज्यों में सत्ता गंवा चुकी है बीजेपी। पिछली बार दिल्ली में महज 3 सीटें जीतने वाली भाजपा को इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। दिल्ली के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने 48 सीटों पर जीत के अनुमान के साथ सत्ता में आने की उम्मीद आखिरी लम्हों तक नहीं छोड़ी थी, लेकिन भाजपा की दिल्ली की सत्ता में आने की उम्मीदें टूट गई हैं। भाजपा के लिए देश का सियासी नक्शा नहीं बदला है। दिल्ली समेत 12 राज्यों में अभी भी भारतीय जनता पार्टी विरोधी दलों की सरकारें हैं। 16 राज्यों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की 16 राज्यों में सरकारें हैं। इन राज्यों में 42% आबादी रहती है। तो चुनाव दिल्ली विधानसभा 2020 का जो परिणाम है वो सामने आ रहा है। धीरे धीरे आम आदमी पार्टी जश्न मनाती दिखाई दे रही है और जो अभी जो रुझान मिल रहा है उसको एक बार आपको तो दिल्ली आपकी में करेंगे चर्चा। चर्चा में हमारे साथ मेहमान शामिल है, पर उससे पहले कुछ रुझान बता दें। दिल्ली विधानसभा 2020 का जो रुझान है उसमें आम आदमी पार्टी है जो 62 सीटों पर आगे चल रही है, जिसमें 33 सीटों पर उसने जीत हासिल कर ली है। बीजेपी 8 सीटों पर आगे चल रही है, जिसमें 3 सीटें अभी तक उन्होंने जीत हासिल की है 3 सीटों पर। इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे और चर्चा में जो मेहमान शामिल है पहले उनसे तारुफ करवा दूं। हमारे साथ हैं रेहान जाफरी जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, बहुत स्वागत है रेहान आपका। गौरव चतुर्वेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है गौरव जी आपका। शैलेन्द्र प्रधान जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत है शैलेन्द्र प्रधान जी। शुरुआत रेहान आपसे करूंगी। जिस तरह आम आदमी पार्टी ने पहले भी ये उम्मीद जताई थी कि इस बार भी उनकी ही सरकार बनने वाली है और जबकि तस्वीरें पूरी तरह साफ हो गई हैं, काफी बढ़त पर है, 33 सीटें हासिल कर ली हैं जीत की। जिस तरह जश्न की अगर बात करें, सुबह से ही एक माहौल जश्न का, हालांकि जश्न तो उस समय से मनाया जाने लगा था जब एक एग्जिट पोल आपको आगे बता रहे थे। अब हम समझना चाहेंगे किस तरह का माहौल है और इस तरह की जिस सीटें की जो उम्मीद की थी आपने, जो तस्वीर सामने आई उससे कितना मुतमईन आप हैं? देखिए, दिल्ली की जनता ने जब अरविंद केजरीवाल जी को सत्ता सौंपी उसी के बाद लगातार अरविंद जी दिल्ली की जनता के लिए लड़ते रहे, चाहे वो एलजी साहब हों या केंद्र सरकार हो, उसके खिलाफ लगातार मुहिम उन्होंने छेड़ी कि हमें किसी भी तरह से जनता के हित के लिए कार्य करना है। उसके लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, सारी चीजें की, जो साम दाम दंड भेद करना थे उन्होंने करे और दिल्ली की जनता के लिए काम किया। आज जो दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया है वो उनके काम पर दिया है। हमने मुद्दों की राजनीति करी, हमने बात करी शिक्षा की, हमने बात करी स्वास्थ्य की, सड़क, बिजली, पानी, सीसीटीवी कैमरा, महिला सुरक्षा, जिन चीजों पर हमने काम किया उसको हमने सामने रिप्रेजेंट किया। अच्छा, विपक्षी पार्टियां जो थीं, चाहे वो कांग्रेस ले लें चाहे भाजपा ले लें, इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। इन्होंने जो राजनीति करी वो आपने खुद देखा होगा पूर्व में कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, शाहीन बाग और सिर्फ कम्युनल राजनीति के ऊपर इन्होंने फोकस करा। तो बीजेपी का ये कहना है कि कोई बात नहीं करी। बीजेपी का कहना है पिछले बार की अपेक्षा अगर देखें तो इस बार वोट बैंक उनका बड़ा है, सीटें भी ज्यादा आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक फायदा तो उनको मिला है। देखिए, क्या है कि इतना धन बल खर्च करने के बाद अगर वो 5-7 सीटों पर सिमट जाते हैं तो ये भी हैरान करने वाली बात है। 250 से ज्यादा सांसद, 11 मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, प्रधानमंत्री, सबके सब पूरे दिल्ली के ऊपर फोकस थे। एक छोटा सा प्रदेश लेकिन हिंदुस्तान का दिल, उस पर इस तरीके से पूरी धन बल के साथ उतर जाना। और सबसे बड़ी चीज कि आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हमारी सरकार क्या कर रही है। अगर आप केंद्र के अंदर हैं तो आप केंद्र के अंदर ये बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। आप ये बताएं कि एमसीडी के अंदर आपने क्या किया, आप ये बताएं कि डीडी के अंदर आपने क्या किया। तो आपके पास बताने को कुछ नहीं है। आज एमसीडी स्कूलों की हालत बद से बदतर है जो कि भारतीय जनता पार्टी के अधीन आते हैं। आप वहीं दिल्ली सरकार के आप स्कूल देख लें, हॉस्पिटल देख लें, मतलब यूएन तक हमारी तारीफ कर रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बात कहे कि स्कूल खराब है, हॉस्पिटल्स खराब है, मोहल्ला क्लिनिक खराब है,
पानी गंदा आ रहा है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि एक मुख्यमंत्री काम कर रहा है और आप उसके काम की सराहना करने की जगह आप उसको ऐसे देख रहे हैं जैसे वो देशद्रोही है। आप उसको आतंकवादी कह देते हैं, आप उसको नक्सलाइट कहते हैं, मतलब मुख्यमंत्री की पद की कोई गरिमा होती है? तो क्या इस तरह के बयानों का भी फायदा केजरीवाल को मिला? बिल्कुल, देखिए मिलेगा क्यों नहीं। आप दिल्ली के बेटे को जो दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहा है, जो दिल्ली की माँओं को और अपने पिताओं को तीर्थ यात्रा पे ले जा रहा है, जो उनकी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम कर रहा है, जो बच्चों के स्कूल व्यवस्था के लिए काम कर रहा है, स्वास्थ्य को लेकर काम कर रहा है, उस व्यक्ति को अगर आप आतंकवादी कहेंगे तो आप कैसा लगेगा? अगर आपके ही बच्चे को अगर ये कहा जाए कि आतंकवादी है तो आपको कितना बुरा लगेगा? उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए बेटा है, भाई है, और उन्होंने बेटे की तरह काम किया। लोगों एक ताजा रुझान और अपडेट ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी 36 सीटें उसने जीत ली है और बीजेपी के खाते में 4 सीटें हैं फिलहाल। शैलन जी, जिस तरह अभी रेहान ने कहा कि इनकी पार्टी ने जो काम किया है उन मुद्दों पर ही आगे की लड़ाई की और जिस तरह जनता ने एक बहुमत दिया, जिस तरह एक भरोसा एक बार फिर तीसरी बार जताया है, उसके पीछे उनकी मेहनत है। पर इधर बीजेपी के लिए वो कहते हैं पूरी ताकत, बड़े बड़े चेहरे जिन्होंने वहां पहुंचकर अपनी पूरी कोशिश की कि इस चुनाव को वो अपनी मुट्ठी में कर लें, पर वो कामयाबी उनको नहीं मिल पाई। कहीं ना कहीं एक बार फिर शिकस्त का मुंह बीजेपी को देखा। जनता ने वर्डिक्ट दे दिया, मैंडेट दे दिया, तो निश्चित ही केजरीवाल जी जीते, भारतीय जनता पार्टी हारी, तो इस पे बहस का कोई विषय नहीं है। ये अलग बात है कि आप वाले हम पे जो भी आरोप लगाना है, क्योंकि आज वो जीत गए तो जो जीता वही सिकंदर, तो आज उनके सब जो भी आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर वही सही है। भारतीय जनता पार्टी तो अब हार गई, तो हमारा गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि ऐसा बटन दबाओ कि शाहीन बाग तक करंट लगे। नहीं, शाहीन बाग जीत गया, अब इनको अथॉरिटी है पूरे दिल्ली में शाहीन बाग लगवा दे, हर रोड रुकवा दे, इस पे अब रोक कहाँ है, अब तो ये जीत गए। ये तो कह रहे हैं कि शाहीन बाग जैसे कोई मुद्दा हमने नहीं बनाने की कोशिश की, हमने तो जो काम किया था उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में गए, जो जनता है उसने उन्हीं सब बातों को लेकर हमें पसंद किया। एक बार नहीं, हम मान रहे हैं ना कि शाहीन बाग जीत गया, अब पूरी दिल्ली में शाहीन बाग बनवा दे। नहीं, ये तो आप मान रहे हैं, आप कहां मान रही है कि शाहीन नहीं मान रही, तो ठीक है शाहीन बाग जैसा मुद्दा। चलिए गौरव चतुर्वेदी जी, आप क्या कहेंगे, शाहीन बाग जैसे मुद्दे जो हम देख रहे हैं पिछले काफी लंबे समय से, शाहीन बाग को लेकर सियासत लगातार हम देखते रहे, CNRC को लेकर वहां पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, मुझे लगता है 2 महीना लगभग हो गया, उससे ज्यादा ही हो रहा है समय, वहां पर जो एक भीड़ जमा हुई है, जो बैठे हुई है, उसमें बार बार ये बातें सामने आ रही थी कि दिल्ली का चुनाव जब तक है जब तक शाहीन बाग है, इस तरह की चीजें भी हमने सुनी। गृहमंत्री ने भी कहा कि ऐसा बटन इस बार आप लोग दबाइए कि शाहीन बाग तक करंट लगे, सब चीजें। पर इधर आप का ये कहना है, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि उन्होंने जो चुनाव जो उनको परिणाम उनको पता था, उनका ये कहना है हम जिन मुद्दों को हमने जिन पर हमने काम किया था हमें पता था उन मुद्दों पर ही वोट पड़ेंगे और उस पर वोट पड़े। पर बीजेपी के लिए रेहान जी ने भी कहा कि अभी शैलन जी ने भी कहा कि शाहीन बाग मुद्दा था, उसका फायदा उनको मिला, क्या कैसे देखते हैं आप इन सब चीजों को? देखिए, दिल्ली का चुनाव पूरे देश की राजनीति कि पूरे देश की जनता की नजरों को अपनी तरफ लगाए हुए देख रहा था और ये बात शुरू से कही जा रही थी कि इस चुनाव में क्या विकास, जैसा कि दावा अरविंद केजरीवाल जी ने किया था, वो जीतेगा या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर वोट आएंगे तो भाजपा जीतेगी। कांग्रेस तो कहीं से कहीं तक इस चुनाव में थी नहीं और दिल्ली की जनता ने ये बता दिया कि वो बहुत ही प्रोफेशनल वोटर है। प्रोफेशनल इसलिए कह रहा हूं कि कोई मुफ्त की बिजली या मुफ्त के पानी को लेकर के दिल्ली की जनता ने वोट नहीं दिया है, उसने उन असल मुद्दों को जाना, समझा, पहचाना और परखा और उसके बाद अपना वोट दिया।
भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ है उसका पीछे सबसे बड़ी वजह है भारतीय जनता पार्टी का अति प्रचार और अति सतर्कता। विधानसभा चुनाव को जिस अंदाज में दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लड़ने की पूरी तैयारी किए हुए थी वो सतर्कता भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ गई, वो अति प्रचार भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ गया। और समीक्षा चर्चा तो होगी, अभी शैलेन जी कह रहे थे कि अब किस बात की चर्चा, तो चर्चा इसलिए जरूरी है कि समीक्षा की जाना चाहिए कि पूरे देश का वोटर क्या मानसिकता लेकर चल रहा है। एक राज्य से आप इसको नहीं आंक सकते हैं लेकिन दिल्ली के को लेकर के आप पूरे देश के मूड को भांप सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली का वोटर नहीं है, पूरे देश का वोटर रहता है। आप पूर्वी भारत के वोटर को वहां देख सकते हैं, आप पश्चिमी भारत के वोटर को देख सकते हैं, आप दक्षिण भारतीय वोटर को देख सकते हैं, आप उत्तर भारतीय वोटर को देख सकते हैं, आप फिर जो दिल्ली का वोटर है उसको आप देख सकते हैं। पूरे देश के अधिसंख्य लोग जो वहां पर काम कर रहे हैं, वहां रह रहे हैं, और हर वर्ग, हर जाति और हर क्लास का वहां पर लोग है, चाहे आप हायर उसमें चले जाएं, हाई प्रोफाइल इकोनॉमी वाले लोगों के पास चले जाएं, यार आप लोअर इनकम ग्रुप के पास चले जाएं या मिडिल इनकम ग्रुप के पास चले, जो पूरी दिल्ली का मूड है वो पूरे भारत के मूड को अब बता रहा है। रही बात, अगर हम बात करें पिछले चुनाव के मुकाबले, भारतीय जनता पार्टी 2015 में 32% वोट के साथ सेकेंड पोजिशन पे थी, लेकिन इस चुनाव में उसने 6% वोट तो बढ़ाया, लेकिन आप देखिए कि साल भर पूर्व, 7 महीने 8 महीने पूर्व हुए लोकसभा के चुनाव में जहां उसको 56% वोट मिला था दिल्ली के वोटरों का, वो 18% घट के 32% पर रह गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी को अब सोचना समझना होगा और आगे की रणनीतियां तय करना होगी। बिल्कुल रेहान क्या कहेंगे, अभी जैसा कि गौरव जी ने कहा कि अति प्रचार अति सतर्कता बीजेपी को कहीं भारी पड़ गई। देखिए धनबल पूरी तरीके से उन्होंने खर्च करा, जो चीजें इन्हें लगाना चाहिए थी वो सब कुछ लगा दी, उन्होंने सब कुछ झोंक दिया, लेकिन सिर्फ एक चीज हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का दिल दिल्ली और वहां की जनता समझ गई है कि जुमलेबाजी से कुछ नहीं होगा, जमीन पर काम करके दिखाना पड़ेगा तो ही वोट मिलेगा। दूसरी चीज, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि शाहीन बाग जीत गया, तो एक बात बता दूं, शाहीन बाग भी जीत गया और हिंदुस्तान भी जीत गया, क्योंकि यही शाहीन बाग भारत का हिस्सा है। आप टुकड़े टुकड़े वाली राजनीति ना करें, देश को बांटने की राजनीति ना करें, शाहीन बाग भी जीत गया, भारत भी जीत गया और हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी जीत गया। मुद्दे की राजनीति करें, अगर मुद्दे की राजनीति नहीं कर सकते तो फिर आपको जनता इसी तरीके से सबक सिखाएगी। अभी मेरे भाई साहब ने कहा कि मुफ्त का पानी, बड़ा प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी ने कि मुफ्त में बांट रहा है, मुफ्त में बांट रहा है। एक बात बताइए मुझे कि जनता के टैक्स का पैसा अगर जनता के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा, नेताओं के काम आएगा? एक सांसद को 50,000 यूनिट बिजली मिलती है मुफ्त में, क्यों मिलती है भाई? जनता को मिलना चाहिए ना, जनता का पैसा है। बिल्कुल, तो अगर हम जनता का पैसा जनता के हित कार्यों में लगा रहे हैं और जनता का हित होगा तो ही राष्ट्र का हित होगा। ये राष्ट्रवाद की बात जो है ये ढकोसला है सिर्फ, जब आप जनहित की बात नहीं कर सकते तो राष्ट्रहित नहीं हो सकता। तो आपको जनहित करना पड़ेगा, जनता को अपने पैरों पर खड़ा करना पड़ेगा, उनको रोजगार देना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था को सही करना पड़ेगा, जब जाके राष्ट्र का हित होगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज, हमारी सरकार ने महिलाओं की मुफ्त यात्रा की, गुजरात के मुख्यमंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं उन्होंने 190 करोड़ रुपए का प्राइवेट प्लेन अपने लिए खरीदा। किसके पैसे से? सरकार के पैसे से, उनका निजी पैसा तो नहीं था। और सरकार का पैसा कहां से आया? वो आया जनता के टैक्स से। वहीं अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए प्राइवेट प्लेन ने खरीद के 140 करोड़ रुपए का मुफ्त यात्रा दिल्ली की महिलाओं को दिया। आप ये बताइए जनता का मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल या गुजरात के सीएम? तीसरी चीज कि आप कह रहे हैं कि रोड जाम हो जाएगा, रोड जाम हो जाएगा, सड़क जाम हो जाएगा, दिल्ली जाम हो जाएगा, पूरा देश जाम हो जाएगा। आप ये बताइए कि दिल्ली के अंदर पुलिस किसकी है, लॉ एंड ऑर्डर किसका है? आपका है ना, आप क्या कर रहे हैं वहां पर है? आप मंच से खड़े होकर कह रहे हैं कि
ऐसा बटन दबाना कि करंट लग जाए। आप गृह मंत्री हैं देश के, आपकी भाषा के अंदर शालीनता होना चाहिए, आपको सोच समझ के बात करना चाहिए, क्योंकि आपकी भाषा जो है वो देश ही नहीं विदेश तक पहुंचती है। अगर आप इस तरीके के वक्तव्य देंगे तो जनता आपको बिल्कुल सबक सिखाएगी। और अभी भी वक्त है, मुद्दे की राजनीति पर आए, काम करें और देश हित की बात न करके देश हित में काम करें। क्या कहेंगे शैलेंद्र जी, बहुत सारी बातें कही रेहान जाफरी ने, मुफ्त की राजनीति जिस तरह केजरीवाल पर ये लगाया जा रहा था इल्जाम कि मुफ्त की राजनीति की, बहुत सारी चीजें ऐसी जो मुफ्त में बिजली पानी लोगों को मुहैया कराया, तो क्या लगता है जरूरत नहीं है दिल्ली की जनता को, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जरूरत नहीं इन सब चीजों की? और इस पर अगर बात करें तो केंद्र की तरफ से क्या चीजें हुई जिसको लेकर लगता कि हाँ भरोसा जताना, क्योंकि शाहीन बाग में भी हर तरह के लोग इकट्ठा थे, हर तरह के समुदाय से, हर तरह विचारधारा के लोग वहां पर इकट्ठे थे, जिन्होंने एक बार कोशिश की है समझाने की कि वक्त संभालने का। हाँ, ये तो सही बात है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अब आज हमारे आपके प्रवक्ता जो चाहे बोले, स्वतंत्र है। नहीं, मैं सत्य बोल रहा हूं। देश हित की बात जरूरी नहीं है, देश के काम करने की ये उपदेश दे रहे हैं। देश हित की बात जरूरी, देश हित की बात ना करें, देश हित के लिए काम करें। देश हित के लिए काम, तो वही मतलब इनका आशय है कि, कर रहा हूं। इनका आशय है कि बात सिर्फ ना करें, काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि जनता को काम चाहिए, बात नहीं चाहिए। नहीं, नेचुरली आप ही तो कर रही है देश हित का काम, बाकी तो सब पार्टियां खसोड़ कर रही है इनका। ये सत्ता खा के गाली देने पर जिसको लाया गया उसको करना पड़ेगा, ये हमारे आपके बस की बात नहीं है। नहीं, दूसरी बात, अब आप ये कह रही है कि हम कांग्रेस को हमने शून्य कर दिया। अब मैं तो नहीं समझ पाया, हमारा वोट हमारे माननीय पत्रकार महोदय गौरव जी कह रहे थे कि 32-38 हो गया, हमारी सीटें भी 3 से बढ़ के 8 या 9 कुछ हो गई हैं, पर हमारी नेगेटिव मार्किंग है और आपकी सीटें कम हो गई, फिर भी उनकी पॉजिटिव मार्किंग है, उन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए सीटें कम हो जाए, बस इतनी कोशिश थी आपकी, आपको आना भी उनकी एक कोशिश थी। नहीं, हमने किया, पर जनता ने इनको स्वीकार किया, हमें रिजेक्ट किया, इससे कहां इनकार कर रहे हैं। और इन्होंने इतने अच्छे काम किए कि महिलाओं को फ्री यात्रा करा दी, 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी, नहीं देना चाहिए दो, नहीं दो क्या 2000 लीटर 20,000 लीटर पानी फ्री कर दिया, नहीं, नहीं देना चाहिए, नहीं चाहिए भाई, सबको फ्री कर दो, हम कहां मना कर रहे हैं। नहीं तो ये तो रेहान जी का कहना है, उन्हीं का पैसा है, उनको देना है। तो कह रहा हूं उन्हीं का पैसा लो ही नहीं ना आप, तो से बिल्कुल टैक्स लेना बंद कर दो। हाँ, बंद कर दो, दोगुना टैक्स कैसे होगा, कैसे होगा शैलेंद्र? नहीं, अब वो कर रहे हैं, अब ये तो केंद्र की तरफ से ही, ये मैजिकल फिगर तो केजरीवाल जी के ही पास है, बाकी तो सब सरकारें जितनी 29 सरकारें उनके मुकाबले में सबको उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, 28 जो राज्य हैं उनको सबको कि सबको बिजली फ्री, पानी फ्री, सड़क फ्री, स्कूल तो फ्री, स्वास्थ्य अगले, फ्री, अगले बिहार के चुनाव में इन सब चीजों को सोचा जाएगा। आपको लड़ जाना चाहिए, वहाँ जीत जाएगी, नहीं तो जीतेगी, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, उसको भी ऐसी आदर्श स्थिति निर्मित कर रहे हैं, तो निश्चित ही आप वहाँ जाके लड़ेंगी तो सभी सीटें वहाँ पे भी जीत जाएंगी। और क्वेश्चन है कांग्रेस का, तो अब अंत आ गया है, कांग्रेस का अंत आ गया। चलिए भाई, यही तो वो कर रहे हैं, उन्होंने कर दिया ना, ठिकाने लगा दिया कांग्रेस को। बीजेपी कई राज्यों में पीछे जा रही, विधानसभा चुनाव में हमने मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, राजस्थान में देखा, महाराष्ट्र में देखा, अब दिल्ली में क्या लगता है इसकी समीक्षा बीजेपी को जल्दी करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, हम लोग कर रहे हैं, अब हम लोग पीछे जा रहे हैं, अब ये आ जाएंगे फिर क्या है, फिर तो हर जगह नहीं, अभी मजा क्या, आपको क्या, आप आ जाएंगे और कांग्रेस तो जीरो हो रही है, तो अब आप ही का राज है उसमें क्या। चलिए गौरव जी क्या कहेंगे, आप ही का राज है, दिल्ली में है राज फिलहाल, पर शैलेंद्र जी का कहना है बीजेपी पीछे जा रही है, जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, महाराष्ट्र की, और अब दिल्ली की, सभी में एक कहीं ना कहीं शिकस्त का सामना बीजेपी को करना पड़ा। अब कांग्रेस की बात अभी कह रहे थे शैलेंद्र जी, कांग्रेस का
पहले भी जो हमने एग्जिट पोल देखा था उसमें भी कहीं एक आध सीट मिल रही थी कांग्रेस को। यहाँ पर कांग्रेस ने कोई भी पिछले कई साल राज किया दिल्ली पर कांग्रेस ने, पर अब क्या लगता है क्या वजह है कि कांग्रेस का कहीं कोई खाता खुलता भी अभी दिखाई नहीं दे रहा? देखिए प्रधान जी की बात से मैं एक छोटी सी आपत्ति लूंगा, चूंकि उन्होंने मुझे इंगित करते हुए बात कही है। नेगेटिव मार्किंग कहने का तात्पर्य मेरा यह था कि विधानसभा चुनाव में पिछले विधानसभा चुनाव के वोट प्रतिशत के मुकाबले भले आपका वोट बड़ा है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मुकाबले आपका 18% वोट कम हुआ है। और ये बात मैं कोई व्यक्तिगत उस पर नहीं कर रहा हूं, जो आंकड़े हैं चुनाव आयोग के मैं उसके आधार पर बात कर रहा हूं। अगर आप बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा था, उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जब लोकसभा चुनाव उसके बाद हुए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी जबरदस्त प्रॉफिट में रही। जो 3 सीटें कांग्रेस के पास रहती थी उसमें से मात्र 1 सीट कांग्रेस के पास रही, 2 सीटें भी कांग्रेस से छीन ली। तो ये तो आपका जो परफॉर्मेंस लोकसभा के अंदर आया था उस लोकसभा के मुकाबले अगर हम बात करें, कोई 6 महीने में मूड देश का नहीं बदल जाता है। लगातार जो देश के मूड को बनाए रखने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी या संघ कर रहा था या हिंदू मुस्लिम विरोधी विचारधाराएं एक दूसरे के साथ जुड़ के काम माहौल को बनाने का प्रयास कर रही थी, वो माहौल ऐसे समय में अगर आपके साथ उतना प्रतिशत नहीं आता है तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर आपके उठाए हुए मुद्दों पर आम जनता ध्यान क्यों नहीं दे रही है। वही बात, आपने चूंकि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 1% वोट कम हासिल किया है, लेकिन उसके बाद भी सरकार बनाने में सक्षम। कांग्रेस का 4.5% वोट डाउन हुआ है तो वो कहीं से कहीं तक नहीं, वो कांग्रेस वैसे भी इस पूरे चुनाव में उस तौर तरीके और तैयारी के साथ नहीं लड़ी, मेहनत भी दिखाई नहीं थी। इसलिए हम इस चुनाव को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आपके बीच में रखकर ही बात करेंगे। हम इस चुनाव को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और विकास को सामने रखते हुए बात करेंगे, क्योंकि जो विकास केंद्र सरकार को भी विकास का जो मॉडल प्रस्तुत करना था 6 महीने के अंदर 7 महीने के अंदर, वो 7 महीने के अंदर विकास का मॉडल प्रस्तुत नहीं कर पाई है। भले धारा 370 भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से खत्म कर दी, भले मुस्लिम पर तीन तलाक पर बिल ले आई, लेकिन उनके फायदे क्या हुए, आम जनता को क्या फायदे हुए, आप नई विकास की धारा क्यों नहीं स्थापित कर पाए, या आप जो पूर्ववर्ती आप जो घोषणाएं करे हुए थे जो आपके दावे थे उन्हें पूरा नहीं कर पाए। तो ये चुनाव विकास बनाम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का हो गया, और जब चुनाव सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बनाम विकास हो गया तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे, इस पर समीक्षा करेंगे और इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। वही हम और आप सब बैठ के कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है, हर आम आदमी के मन में ये बात है कि आखिर मध्य प्रदेश में इस तरीके की भाव आते हैं तब चुनाव के परिणाम बदल जाते हैं तो वहां दिल्ली में क्यों नहीं हुआ। क्योंकि दिल्ली का वोटर, मैंने आपसे पूर्व में भी कहा था कि बहुत ही सुलझा हुआ वोटर है, उसने बहुत सोच समझ कर वोट दिया, और किसी भी स्तर का वोटर हो वहां पर जिस तरीके से आपने पूरे देश में एक माहौल खड़ा किया था, और आपने जिस तरीके से राहुल गांधी के एक में पर्टिकुलर एक बयान की बात कर रहा हूं, जब राहुल गांधी ने कहा था कि युवा डंडे मारेंगे बेरोजगारी के मुद्दे पर, और जिस तरीके से संसद में प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण दिया था, जिस तरीके से उपहास उड़ाया था, राहुल गांधी ने गलत बोला था वो बिल्कुल स्वीकार रहा हूं, लेकिन मोदी जी ने जिस तरीके से उसका रिप्लाई दिया था वो भी आम आदमी के खिलाफ था, आम आदमी की बेबसी के खिलाफ था, और चुनाव में ये परिणाम आपको नजर आए, ये उसका एक सबसे बड़ा कारण है। रेहान क्या कहेंगे, जब चुनाव प्रचार के दौरान बहुत सारी चीजें केजरीवाल को आतंकवादी, और अभी जैसा कि हमने देखा हनुमान जी का कहीं ना कहीं अपमान हुआ, बहुत सारी चीजें, शाहीन बाग की अगर बात करूं, शाहीन बाग मतलब खास मुद्दा खास बात शाहीन बाग को लेकर होती रही,
बीजेपी ये इल्जाम लगाती रही कि केजरीवाल की बैठा है शाहीन बाग में, शाहीन बाग केजरीवाल का ये कहना था कि हमारा कोई लेना देना नहीं ये बीजेपी, बीजेपी तभी खत्म कर देगी जैसे ही जिस दिन बटन दबेंगे चुनाव होगा उसके बाद शाहीन बाग का जो जमावड़ा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। क्या लगता है अब इस पर रोक लगेगी? देखिए, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है और कहती है कि हम महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ेंगे, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए, तीन तलाक की बात जब आई थी तो कहा था बहुत अत्याचार होता है और महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता। आज हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक आंदोलन के रूप में महिलाएं परचम लेके, तिरंगा लेके और वहां पर डटकर बैठी हुई हैं और उन्होंने बता दिया कि हिंदुस्तान की महिलाएं जो हैं वो हिंदुस्तान के संविधान की भी रक्षा कर सकती हैं और हिंदुस्तान की भी रक्षा कर सकती हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं औरतों के बारे में ये कह रहा है कि 500-500 रुपये में बैठेंगे। आप मतलब शर्म आनी चाहिए इस तरीके के स्टेटमेंट जो इतने बड़े बड़े पद पर हैं, सांसद बने हुए हैं, विधायक बने हुए हैं, इस तरीके की बातें करते हैं। खामियाजा उठाना पड़ा बीजेपी को, बिल्कुल बिल्कुल उठाना पड़ेगा और जनता समझ रही है, जनता बहुत समझदार है, दिल्ली की जनता जितनी समझदार है उसने बता दिया। इसी तरीके से हिंदुस्तान में आगे जितने भी प्रदेशों में चुनाव होंगे वहां पर भी इसी तरह इसी पैटर्न पे चुनाव शुरू होंगे। अरविंद जी ने जो भी करा कुछ नया करा और इस बार उन्होंने बता दिया कि हिंदुस्तान में मुद्दों पर भी राजनीति होती है और मुद्दों पर वोट लिए जाते हैं। कांग्रेस शून्य हुई तो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने शून्य नहीं करा। देखिए काम बोलता है, आम आदमी पार्टी ने काम किया उसके बिहार से उसे वोट मिला। हमने काम के नाम पे वोट मांगा, हमने ये नहीं मांगा कि हम हिंदू हैं तो हमें हिंदू के नाम पे वोट दे दो, हम मुसलमान हैं तो मुसलमान के नाम पे वोट दे दो, हनुमान जी के मंदिर, हमें इससे मतलब नहीं, मंदिर मस्जिद से हमें मतलब नहीं है, आप क्या कर रहे हो? अगर हमने वोट मांगा तो इसी तरह से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केजरीवाल, उसके बाद फिर जा रहे हैं हनुमान मंदिर माथा टेकने। देखिए क्या कुछ फायदा हुआ क्या मंगल? देखिए ऐसा नहीं है, वो डेली पूजा करके निकलते हैं अपने घर से है, और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग वंदे मातरम पे इतना गदर मचाए हुए थे और ये कहते थे वंदे मातरम गाना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, अरे इनके 90% सांसदों और विधायकों को वंदे मातरम नहीं याद, और वो योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री वो वहां पहुंच जाते हैं और हनुमान चालीसा पे बात करते हैं और वहां पर जो है रजत शर्मा के शो के अंदर हनुमान जी का चालीसा पढ़ देते हैं अरविंद केजरीवाल, तो भैया लोगों को बुरा लग जाता है। मतलब एक व्यक्ति जो रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ता है उसको बताना पड़ रहा है मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं और मुझे आप हनुमान चालीसा के नाम पे वोट देंगे, आपके मुद्दे के नाम पे वोट देंगे आप, काम के नाम पे वोट देंगे आप? चलिए उसमें तो जनता ने देख समझ लिया कि किसको किसको, दिल्ली की जनता ने बता दिया है कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होगी, बात होगी काम की, अस्पतालों की, अच्छी शिक्षा की, सड़क की, नाली की, सीसीटीवी कैमरा की, महिला सुरक्षा की, ये सब मुद्दों पर बात करो, काम करो, उसके बाद वोट लो। और जो मुख्यमंत्री आए थे दूसरे प्रदेशों से उनके खुद के प्रदेशों में कितने घंटे लाइट आती है, बिजली आती है। चलिए आप भी अब जश्न की तैयारी कीजिए और 37 सीटें आपने हासिल कर ली है, जीत हासिल कर ली है उस पर। अपनी चर्चा को विराम दूंगी, आप तीनों मेहमानों का हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह दिल्ली विधानसभा 2020 के परिणाम लगातार जारी है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो 4 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं और कांग्रेस की अगर बात करें तो एक भी सीटें फिलहाल नहीं मिल पाई हैं। पर जनता ने दिल्ली का मूड समझा और उस पर केजरीवाल पर तीसरी बार भरोसा जताया। आगे बीजेपी को समीक्षा करनी पड़ेगी कि कहां कमी रह गई, इस बार भी कहां चूक उनसे हो गई जिसको लेकर जनता ने उन्हें फिर नकार दिया। तो अपनी इस चर्चा को यहीं पर दूंगी विराम। देश और दुनिया की ताजा खबरें आप देखते रहें डीएनआर पर, मुझे दीजिए इजाजत।